एक मंत्री जी बड़े भक्त थे, हमेशा कहा करते थे भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब एक दिन राजा की उंगली कट गई, बगल में ही मंत्री जी खड़े थे। राजा ने सबसे पहले हाथ उन्हीं की ओर बढ़ा दिया, देखो मंत्री जी थोड़ी असावधानी से आज उंगली अलग हो गई। उन्होंने अपने स्वभावगत कह दिया, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं महाराज। अब राजा बड़े लाल पीले हो गए, मुर कहीं के हमारा इधर हाथ कट गया, उंगली कट गई, और तू कह रहा भगवान अच्छा करते हैं, तेरी बुद्धि खराब हो गई, बंदी बना लो इसे। मंत्री को बंदी बना के जेल खाने में डलवा दिया राजा ने कुपित होकर। बेचारे जेल खाने में गए, राजा मिलने आए, कहो मंत्री जी। बोले हाँ महाराज, भगवान जो करते हैं ठीक ही करते, ठीक है पड़े रहो जेल खाने में, थोड़ी देर बाद अपने आप बुद्धि ठीक हो जाएगी। बेचारे पड़े रहे। अब एक दिन राजा को किसी, जब घर में मन नहीं लगा, शिकार खेलने निकल पड़े वन में, सुरास्ता भटक गए। जंगल में भटकते हुए पहुंच गए भीलों के क्षेत्र में। भीलों को एक नर बलि की आवश्यकता थी, सो राजा को बंदी बनाए, पकड़ के ले गए भद्रकाली के मंदिर में बलि चढ़ाने। अब जैसे ही राजा की बलि चढ़ने लगी कि एक ही दृष्टि कटी उंगली पर पड़ी। अरे सुनो सुनो, ये तो खंडित है, खंडित बलि भद्रकाली को स्वीकार नहीं होती, छोड़ो छोड़ो, ये हमारे बलि के उपयुक्त नहीं है। तुरंत राजा को मुक्त कर दिया गया। अब लौटते समय, घर आते समय सोचते जा रहे थे, राजा मंत्री जी ने ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं, यदि उंगली न कटी होती तो आज गर्दन नहीं उड़ गई होती। लौट के आए, मंत्री को मुक्त किया, कारागृह से पूरी घटना सुनाई, और अंत में पूछा, मंत्री जी एक बात बताओ, भगवान ने मेरी उंगली काटी और मेरे गर्दन कटने से बच गए, मेरे ऊपर तो भगवान ने सचमुच अच्छा किया, पर तुम बिना अपराध किए जेल खाने में पड़े रहे 2-3 दिन, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री जी ने कहा, महाराज तुमसे अधिक कृपा हम पर भी। कैसे? बोले महाराज, यदि मैं जेल खाने में न होता तो क्या आपके साथ न गया होता, और आज कहीं मैं आपके साथ होता तो आप तो खंडित थे सो बच गए, पर हम तो आज पूरे पंडित थे, आप तो चले आते पर हमारी छुट्टी हो जाती। सो भगवान ने बड़ी कृपा करी, आपने हमें जेल खाने में डाल दिया। भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, आपकी उंगली कटी तो आप पर कल्याण, और आपने जेल में डाल दिया तो मुझ पर कल्याण। ये बात कहना बहुत सरल है, पर जीवन के विषम क्षणों में इस बात का अनुभव करना बहुत कठिन है। तनिक जीवन में विषमता आई कि भगवान को भी बुरा भला सुना दिया कि भगवान ने किया ही क्या है हमारे साथ।